सीबीएसई अब से आपके दो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराएगी। आपने सही सुना, दो बोर्ड एग्जाम आपके कंडक्ट होंगे। एक कंडक्ट होगा आपके मिड टर्म के करीब, एक आपका कंडक्ट होगा एनुअल एग्जाम के करीब। इसको लेकर के सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, उसके बारे में बात करूंगा। बट एक्चुअल में उस चीज़ को लेकर के भी आपको मिस इंटरप्रेट करा जा रहा है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको इन डेप्थ डिटेल देने वाला हूँ, क्योंकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे कि बाद में आपको कोई गुमराह ना कर सके। क्योंकि यूट्यूब पर जा करके आप लोग हज़ारों वीडियोज़ को देखोगे, उसके अंदर हो सकता है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना मिले, हो सकता है कि जल्दीबाजी में आपको दे दिया गया हो सकता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपके दो बोर्ड एग्जाम से। तो सबसे पहले जो आपका अटैम्प्ट है वो कब कंडक्ट होगा, वो कंडक्ट होगा आपके नवंबर और दिसंबर में। नवंबर और दिसंबर में से कोई एक महीने में नहीं, दोनों ही महीने में आपका कंडक्ट होगा। नवंबर की 15 तारीख से आपका स्टार्ट होगा और दिसंबर की आपकी 10 या 11 तारीख तक जो है वो सारे के सारे एग्जाम जो है वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल्स जो आपके कंडक्ट होने हैं वो आपके कंडक्ट होंगे जनवरी से। हाँ, प्रैक्टिकल्स आपके एक ही कंडक्ट होंगे और इसके अंदर तुम्हें बहुत अच्छा देना होगा। क्योंकि अब इस बार से आपका क्या रूल लगने वाला है कि अगर आप प्रैक्टिकल्स के अंदर पूरे मार्क्स लेकर के नहीं आते हो या फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं, तो टीचर्स भी आपको जो इंटरनल मार्क्स हैं आपके 20 या 30 उसमें आपको अच्छे नंबर नहीं दे पाएंगे। तो प्रैक्टिकल्स आपको बहुत अच्छे देने हैं जो कि आपके जनवरी के अंदर कंडक्ट होंगे। सेकंड जो आपका अटैम्प्ट है वो कंडक्ट होगा आपके फरवरी और मार्च के करीब। जैसा आपका 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और मार्च में जा करके एंड हो जाता है, सेम उसी तरीके से आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। लेकिन इसके अंदर आपके बेस्ट ऑफ टू चूज़ किए जाएंगे। अभी बेस्ट ऑफ टू का मतलब क्या होता है, यानी कि हो सकता है कि आपके नवंबर और दिसंबर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके अंदर बहुत ही कम मार्क्स आए हों, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए हों, हो सकता है कि आप काफ़ी सब्जेक्ट में जो है वो फेल हो गए। तो आपका जो सेकंड अटैम्प्ट है फरवरी और मार्च का, इसके अंदर अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं नवंबर वाले से तो आपके फरवरी वाले मार्क्स को उठाया जाएगा उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि साइंस। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अगर आपके फरवरी वाले में गंदे आते हैं और नवंबर वाले अच्छे आते हैं मैथ्स के अंदर, तो आपके नवंबर वाले को उठाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपके एक ही साइड के सब्जेक्ट को नहीं उठाया जाएगा, आपके दोनों में से जिसमें भी आपके सबसे बेस्ट स्कोर होंगे उसको पिक किया जाएगा इसके अंदर। तो ये चीज़ आपको पता होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो टर्म वाइज कंडक्ट नहीं होगा, कि आपका मिड टर्म की तरह पहला जो हाफ सिलेबस है आपके पहले टर्म में डाल दिया जाएगा, हाफ सिलेबस आपके एनुअल वाले में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंप्लीट आपका बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, पूरा का पूरा सिलेबस आएगा आपका, आपके सिलेबस को अक्टूबर या फिर सितंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ये चीज़ आपके स्कूल की तरफ से इतनी फास्ट पेस में होगी, इतनी फास्ट पेस में होगी कि मुझे नहीं लगता कि आपके स्कूल वाले की तरफ से आपको कुछ भी समझ में आने वाला है। टीचर्स की तरफ से मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ टीचर्स हैं जो कि अच्छे से मेहनत करते हैं, कुछ टीचर्स हैं जो कि मेरे टीचर्स की तरह थे, मैं बुराई नहीं करता, बट आधे घंटे के अंदर 3 एक्सरसाइज मैथ के कंप्लीट करना, वो भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास 11th की, मेरे टीचर्स के लिए पॉसिबल था, बहुत फास्ट पेज में कंप्लीट किया था। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर भी आपके हाईएस्ट स्कोर होंगे, यानी कि रिटेनिंग हाईएस्ट स्कोर, उसको पिक किया जाएगा आपके इसके अंदर। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने वाली हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। टीचर्स पेशा कंप्लीट करा दें, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी कोर्स का सहारा लेना पड़े, हो सकता है कि यूट्यूब पर जाकर के लेक्चर्स देखने पड़े, और मैं आपको सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लेना। बेल वाले आइकन को प्रेस करोगे तो कुछ प्राइवेट PDF हैं जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा, उसके एक भी पैसे आपसे नहीं लूँगा, एक भी पैसे आपसे नहीं लूँगा। सेकंड, कुछ बच्चों के लिए स्ट्रेस होने वाला है क्योंकि आपका सिलेबस इतनी फास्ट पेस में कंप्लीट होगा,
बच्चा आराम से अपने टाइम को वेस्ट करता है और उसको जागृत होता है दिमाग में कि दिसंबर में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। लेकिन जब वो सोचना शुरू करता है दिसंबर के अंदर, उस समय उसका पहला बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेस आ सकता है कि आपको ये चीज़ को कम से कम अगस्त या फिर जुलाई से सोचना शुरू करना पड़ेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मुझे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है अपने अगस्त तक। इसके बाद कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा है कि एक्चुअल में आपका ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होगा, इसको लेकर के मैं लास्ट में कंप्लीट करता हूँ। बट अगर आपके दो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं तो इसके अंदर आपकी जो एग्ज़ामिनेशन कॉस्ट है वो भी दो बार होने वाली है, यानी कि जैसे आपके 2500 4500 रुपये लगते हैं एक बोर्ड एग्ज़ाम देने के, उस हिसाब से आपके इस साल हो सकता है कि 9000 रुपये तक जो वो लग सकें और आपको देने पड़े। इवैल्यूएशन को लेकर के मैस होने वाला है। इवैल्यूएशन का मतलब है टीचर्स आपके कितनी फास्ट पेस में चेक करेंगे, क्योंकि उनको आपके पहले टर्म के एग्ज़ाम को कंप्लीट करके आपको रिजल्ट देना है। हाँ, रिजल्ट भी आपका जनवरी के अंदर आ जाएगा, तो रिजल्ट आपका अगर जनवरी के अंदर देना है तो उनका पहले में जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा, फिर आपके फरवरी के एग्ज़ाम को भी कंडक्ट कराना है, उसको भी चेक करना है। तो इवैल्यूएशन को लेकर के मैस बहुत ज़्यादा होने वाला है और ये टीचर्स के लिए मैस है, आपके लिए नहीं है। इसके बाद एग्ज़ाम डेट की अरेंजमेंट को लेकर के भी मैस होगा। एक्चुअल में आपकी डेट्स को बहुत ही कम रखा जाएगा, हो सकता है कि दो दिन की आपको छुट्टी दी जाए एक सब्जेक्ट छोड़ करके एक सब्जेक्ट में, क्योंकि वो चाहेंगे कि आप ज़्यादा टाइम ना लें और आपके बोर्ड एग्ज़ाम को लंबा ना खींचा जाए, क्योंकि पहला बोर्ड एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर में कंडक्ट हो रहा है, स्कूल के बीच में कंडक्ट हो रहा है जो आपका सेशन होता है। तो इसके अंदर आपका दो दिन या फिर आपको एक दिन का टाइम दिया जाएगा छुट्टी का, जिसके बाद आपका अगले दिन एग्ज़ाम होगा, यानी कि आज साइंस का देकर है, परसों मैथ का देकर आना, उसके बाद एसएसटी, फिर इंग्लिश, हिंदी, आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्ट पहला आपका जनवरी के अंदर आएगा, जिसमें आपके सिर्फ मार्कशीट होगी, आपको मार्क्स बताए जाएंगे कि आपने कितना स्कोर करा। रिजल्ट आपका दूसरा आएगा मई के अंदर, जिसके अंदर आपकी फाइनल मार्कशीट बनेगी, पूरा सर्टिफिकेट बनेगा, पूरा रिजल्ट आपका आएगा, इंटरनल सब कुछ आपका जोड़ जाड़ के, ठीक है। ये आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत लागू करा गया है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हम चाहते हैं कि जो स्ट्रेस फ्री एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बच्चों के पास पहुंचे। और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने कहा है कि ये आपका क्लास 10 और 12 के लिए लागू होगा 2025 और 26 से। बट मेरा यहाँ पे कहना है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बीच में इस स्ट्रेस को देखते हुए कि बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, इसी साल से लागू कर दिया जाए। इसके बारे में जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको जैसे नया सेशन अप्रैल के अंदर चालू होता है, अप्रैल या फिर मई तक आपको जो है वो कंप्लीट मिल जाएगी। तो दोनों ही साल के अंदर मान के चलो, हो सकता है कि इसी साल से लागू हो जाए, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से लागू हो, बट चांसेस आपके दोनों ही ईयर के अंदर जो है वो बराबर से हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ तक।